औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको जिस बुक का इंट्रोडक्शन बताने जा रही हूँ, ये फोर्थ ईयर की बुक है, जूलॉजी की, पेपर डी है, और ये रियाजुल हकरामे की लिखी हुई बुक है। जैसे जो बीएससी के कोर्स के अंदर हम लोग डिफरेंट पेपर्स पढ़ते हैं, जूलॉजी के ए बी सी, तो वो तीन पेपर्स हम लोग पढ़ते हैं, और ये रियाजुल हकरामे ने इनको जो है वो फर्दर डिवीजन कर दी, और इसने एक पेपर डी जो है वो अलग से कर दिया है, क्योंकि ज़्यादा चैप्टर्स थे तो इसलिए उसने चार पेपर्स बना दिए हैं। वैसे मोस्टली पेपर तीन ही होते हैं जब हम करते हैं, पेपर अटेम्प्ट करते हैं और तैयारी करते हैं तो तीन ही बुक्स होती हैं, तो इसने इनको फर्दर डिवीजन करके हमारी आसानी के लिए चार पेपर कर दिए हैं। ये जो बुक है ये काफ़ी अच्छी बुक है, इसके अंदर जो उसने शॉर्ट सिलेबस जो है वो लिखा हुआ है उसने काफ़ी अच्छे से एलैबोरेट किया हुआ है। उसने इसके जो चैप्टर्स हैं वो सी में से कुछ चैप्टर्स निकाल के उसने डी में डाल दिए हैं, जिसके अंदर उसने प्रोटेक्शन, सपोर्ट और मूवमेंट है, फिर कम्युनिकेशन वन और टू जिसमें नर्व और सेंसेस आती हैं, कम्युनिकेशन थ्री जिसमें एंडोक्राइन सिस्टम और केमिकल मैसेंजर, सर्कुलेशन, न्यूट्रिशन और डाइजेशन है, इसके अलावा टेम्परेचर के जो चैप्टर है, रिप्रोडक्शन और डिवेलपमेंट, फिर डिस्क्रिप्टिव बायोलॉजी का जो चैप्टर है वो इसने इसमें रखा हुआ है। अब ये इस बुक के अंदर जो सबसे पहले जो हमने चैप्टर है कम्युनिकेशन वन का, जिसके अंदर हम लोगों ने नर्व्स के बारे में सारा एक्सप्लेन करना है,